जो कि बीचों बीच में एक नाला है जो बहुत सुंदर है, और इसी के ही पास में एक कैंटीन है, वहीं पर ही हम जा रहे हैं। दोस्तों ये नाला बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो, और साफ वो पानी जा रहे हैं दूसरी तरफ। इस नाले का पानी बहुत क्लीन है। दोस्तों तो ये रहा कैंटीन, हम लोग पहुंच चुके हैं, हम कैंटीन जा रहे हैं। दोस्तों ये जू बहुत सुंदर है और मुझे बहुत मजा भी आ रहा है। यहाँ पर एक हरा सिंगा है, दोस्तों यहाँ पर एक हरा सिंगा, यहाँ पर एक हिप्पोपोटामस की एक स्टैचू बनाई गई थी। ये भी ये एक बारा सिंगा है, ये हिप्पोपोटामस है। ये जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर हिप्पोपोटामस है और यहाँ पर एक तालाब बनाई गई है। ये स्टैचू है हिप्पोपोटामस की। यहाँ का एंटीन बहुत अच्छा है। यहाँ का डोसा कैसा है? बताना था कैसा है? अच्छा है। हाँ यहाँ का डोसा अच्छा है। सही कह रहे हो, ये कैंटीन भी अच्छा और डोसा भी अच्छा, मस्त है, बहुत मीठा भी है। दोस्तों हम लोग कैंटीन में खाना खाने के बाद रिचार्ज हो चुके थे, अब हम लोग चलते हैं बाकी जानवर को देखने। यहाँ पर एक टाइगर है जो दौड़ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये फिर आ रहा है, इधर उधर वो चल रहा था। यहाँ पर एक सियार है जो एकदम दौड़ रहा था। ये लेपर्ड है जो इधर उधर घूम रहा है। आपको हम लोग ले चलते हैं कितने घर में? अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं कितने घर में, मतलब यानी कि चिड़िया। दोस्तों अभी यहाँ पर पेड़ लगाया जा रहा है, यहाँ पर एक भी चिड़िया नहीं थी। हो सकता हो कि ये अभी ये कुछ दिन लगेंगे आने में, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं और मेरे दोस्त कूड़ा फेंक रहे थे। कूड़ा को इधर उधर नहीं फेंका जाता क्योंकि यहाँ से डस्ट फैलते हैं। यहाँ पर सामने एग्जिट गेट दिख रहा है, वहां से हम बाहर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ओवरऑल शो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग अब जो घूम लिए, अब ये है एग्जिट गेट, हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। चलिए।